नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, HPSC के द्वारा मोटर व्हीकल ऑफिसर वाली वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका जो यहां पर सिलेबस एग्जाम पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। और अगर आप इस सिलेबस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अनाउंसमेंट आ चुकी है। इट इज़ हेयर बाई अनाउंसमेंट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाई, जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर मोटर व्हीकल ऑफिसर की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे, हरियाणा रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट 41/24 स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस है जो। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो इसमें लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ही नंबर के होंगे, समय 2 घंटे का है, सभी जो क्वेश्चन है वो बराबर नंबर के होंगे। 5 ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेंगे, एक ऑप्शन आपने फिल करना ही करना है, नहीं तो फिर आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर आप एक भी गोला काला नहीं करोगे तब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग बन जाएगी, तो वो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके अलावा जो 10% जो क्वेश्चन आपने वो करने जरूरी है, इतने तो गोले काले करने ही करने हैं, नहीं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेपर जो आपका इंग्लिश वाला होगा तो इंग्लिश में आएगा ये। और ए कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम 25% मार्क टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 25% तो जो आपने पहला जो यहाँ पर भाग है स्क्रीनिंग वाला, ये पास करना है तो 25% आपके मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट 4 times नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट विल बी कॉल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो 4 गुना जो कैंडिडेट है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, लेकिन 25% लेने जरूरी है क्योंकि मेरिट तो बनती है वो अलग ही है। सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइड दे हैव सिक्योर द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25%। और द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंट। तो ये सिर्फ नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए है, क्योंकि ये काउंट नहीं होते हैं। काउंट कौन से होंगे? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाले, ये नंबर आपके काउंट होते हैं। यहाँ पर जो समय 3 घंटे का रहेगा, सिलेबस इसके साथ में ही है जो हम बाद में देखेंगे, और ये भी आपका इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आएगा। 150 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पेपर जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 35% से यहाँ पर मार्क्स आपने लेने जरूरी है, तो मेरिट जो बनती है वो तो अलग ही है, लेकिन 35% जो आपने लेने जरूरी है तभी आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका 87.5% मार्क्स का रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू होगा जो आपका 12.5% मार्क्स का रहेगा। तो जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपको इसके और ये वाले जो इंटरव्यू, इन दोनों नंबरों को मिलाकर ही बनती है। स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप देख सकते हैं 8/9/2024 को यहाँ पर डेट भी आ चुकी है आपकी। तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट है ये 8 तारीख को होगा, 8/9/24 को अपनी तैयारी में लग जाएँ, जिसने फॉर्म फिल कर लिया है, नहीं किया तो आप फॉर्म फिल कर लें। सिलेबस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे सेक्शन 1 है, इसमें अप्लाई मैकेनिक एंड डिजाइन, तो क्या क्या होता है वो इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल से संबंधित ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर जो सेक्शन 2 आ जाता है, इसमें फ्लर मशीन और जो थर्मल साइंस है जो ये आ जाएंगे, है सारे यहाँ पर, ये इसी से संबंधित व्हीकल से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसके बाद फिर सेक्शन 3, इसमें मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह जो है इसके क्वेश्चन है सारे आपके ये मोटर व्हीकल वाले ही, क्योंकि सब्जेक्ट से ही संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इतना सिलेबस है ये देख सकते हैं आप, और यही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज एग्जाम पॉइंट के नाम से है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।